देखिए यहाँ पर एक कार का हो चुका है एक्सीडेंट। तो बच्ची क्या डांस करने आए हो? दशहरा का दो दिन तीन दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, रामलीला जो राम हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय आसाम, नमस्कार, सेवारो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं दुल्हाजान बिहूतली, और बिहूतली हम लोग क्यों जा रहे हैं आप लोगों को पता है क्या? नहीं बताना। तो ये देखिए, ये मेरा बेटी है, उनका प्रोग्राम है दोस्तों बिहूतली में। कितना तारीख का प्रोग्राम? 18 सितंबर को है प्रोग्राम दोस्तों, और आज जा रहा है रिहर्सल करने के लिए मेरा बेटी। देखिए सब उसका रेडी हो गया। और ये बंदर क्या कर रहा है भाई? अरे बाप रे, ये तो फुटबॉल खेल रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिहूतली की और दिखाते हैं मेरा बेटी लोग किस तरीके से करेगा रिहर्सल। तो बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बोलना चाहता हूँ, भाई का 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है बहुत ही जल्द। लेकिन आप लोग अगर जल्द से जल्द सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, तो जल्दी बहुत ही जल्दी हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों अभी दुल्हाजान पहुंच चुके हैं, और देखिए यहां पर एक कार का हो चुका है एक्सीडेंट। तो ये रहा देखिए, तो यहां पर नहीं रुकते हैं तो आप देख सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर पूरा जाम लग चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं दुल्हाजान बिहूतली, और देखिए मेरा बेटी का दोस्त लोग। तो बच्ची क्या डांस करने आए हो? रिहर्सल? तो ये किसका डांस हो रहा है ऊपर में? दूसरे वाले का हो रहा है। तो ये और अभी इसके बाद चलेगा इन लोगों का डांस रिहर्सल। यहाँ पर 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक होने वाला है रामलीला, और ये रामलीला कमेटी का तरफ से किया जाएगा। और अभी बच्चे लोगों को यहाँ पर रिहर्सल कराया जा रहा है, क्योंकि ऑयल का जो चिपकेस है वो आएगा, तो उनको परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा पहले रामलीला का पहले यहाँ पर बच्चे लोगों का परफॉर्मेंस होगा। तो ये रहा, और आज हो रहा है रिहर्सल बच्चे लोगों का, देखिए। और यहाँ पर हम लोग का भैया का घर तो यही है, दुल्हाजान ना। तो भैया ने बताया दोस्तों यहाँ पर 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रामलीला होने वाला है ना? ये दशहरा का दो दिन तीन दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, रामलीला जो रामलीला संचालिका समिति की तरफ से किया जाता है, और ये चलेगा 25 तारीख तक चलेगा। अच्छा, मतलब दशमी तक, दशमी 24 की दशमी है। दशमी हमारा ये नेहरू मैदान में रावण जलाया जाता है। अच्छा, इसमें राम रावण युद्ध जो है, लड़ाई जो होता है। अच्छा, वो 1 बजे से स्टार्ट होता है वो, और शाम 5 बजे तक चलता है। वहाँ तो ओपनली रावण को जलाया जाएगा, जलाया जाता है वो। अच्छा, हर साल होता है, हर साल होता है। समझ लो कि वो आज कितना बजे से होगा? 1 बजे से स्टार्ट होगा, 1 बजे से स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद 25 को यहाँ पर राम राजगद्दी जो होता है, राम भरत मिलाप जो होता है, राजगद्दी होगा। और उस दिन एक कल्चरल प्रोग्राम जैसे होता है कि यहाँ का एक सिंगर को बुलाया जाता है, या फिर किसी को बुलाकर कोई एक प्रोग्राम किया जाता है, वो प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, यहीं पर होगा? यहीं पर होगा। अच्छा अच्छा, वो भोजपुरी आर्टिस्ट है, सिंगर है, वो आएगा, मोहन राठौर नाम का। अच्छा, उनको बुलाया जाएगा, बुलाया गया ऑलरेडी। अच्छा, तो वो आएंगे वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तो भैया ने थोड़ा जानकारी दे दिया। तो देखिए सब अपना अपना जगह अभी सेट कर रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आएंगे दोस्तों जो ग्रुप डांस करने वाले हैं यहाँ पर, और आप लोग भी आइए रामलीला देखने के लिए। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं बच्चे लोग एक्सरसाइज कर रहा है, वो अभी यहाँ पर करने वाला है स्केटिंग गेम खेलने वाला है दोस्तों। तो देखिए और मज़ा लीजिए खेल का, किस तरीके से एक्सरसाइज करेगा ये बच्चे। आप लोग अगर दुल्हाजान बिहूतली आ रहे हो, तो कुछ प्रोग्राम के लिए घुस रहे हो, तो सबसे फास्ट आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों मेरे पीछे में है भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका का बड़ा सा स्टेचू, देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार। तो इसका अंदर में यह चित्र बनाया गया है, आप देख सकते हैं म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, सब बनाया गया है, और इधर में लिखा गया है देखिए दोस्तों
भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका का प्रतिमूर्ति इस तरीके से है। तो ये रहे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, तो आप सब देख सकते हैं भूपेन हजारिका का बड़ा सा स्टेचू। दोस्तों अभी यहाँ पर काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये जो फेंसिंग मार रहा है वो भाई लोग चार देखो वहाँ पर बैठ के मार रहा लगा रहा है फेंसिंग। तो यहाँ पर तो थोड़ा बहुत यहाँ पर काम चल रहा है। अभी चलते हैं अंदर, बच्चे लोगों का रिहर्सल देखेंगे, जो स्केटिंग एक्सरसाइज जो कर रहा है छोटे छोटे बच्चे उन लोगों को भी देखते हैं। ऊपर चल रहा है इन लोगों का रिहर्सल दोस्तों, और ये गाना का म्यूजिक मैं प्ले नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट पड़ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये पंडाल जो यहाँ पर लगा हुआ है ये अभी खोला जा रहा है क्योंकि यहाँ कुछ ही दिन पहले कुछ प्रोग्राम होके चला गया। और आपको बता दूं दोस्तों ये अंदर में जो स्केटिंग प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पर अगर कोई एडमिशन करना चाहता है अपने बच्चों का तो आके कर सकता है। ये ज्वाइन फीस है दोस्तों 500 रुपये और मंथली है 1000 रुपये और हफ्ता में 6 दिन यहाँ प्रैक्टिस होता है और सिर्फ संडे को बंद होता है। और आप लोग अगर एडमिशन करवाना चाहते हो तो 4 बजे आके आ सकते हो एडमिशन कराने के लिए। और यहाँ पर कोच साहब अपने स्टूडेंट को चिल्लाते हुए सिखाते हुए। तो दोस्तों ये बच्चों का हो गया है ख़त्म, रिहर्सल ख़त्म। चलो कोई आएगा क्या तुम लोगों का? ये बहुत ही थक गया डांस कर करके, अभी गन्ना का रस पियेंगे दोस्तों और घर चलते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है गन्ना का रस, तो देखिए दोस्तों ताजा ताजा। तो भी नहीं खाने? तो यार आप फिर से एक गिलास पीने वाला हूँ। फिलहाल अभी 5 बजने वाला है, अभी घर निकलते हैं ये पी के। बहुत ही मजा आया, पेट भर गया दोस्तों 2 ही गिलास। तो दोस्तों मैं अभी घर पहुंच चुका हूं और घर आते आते मेरा एक कुरियर भी आ गया दोस्तों। और कुरियर में क्या आया है आइए दिखाते हैं आप सभी को। तो देखिए ये बॉक्स है, आप ये बॉक्स देख के तो पता चल ही गया होगा क्या आया है, ये कौन सा कंपनी है। तो मैं एक जूता ऑर्डर किया था दोस्तों, वो तो आ चुका है लेकिन 7 नंबर आया है। अभी ये मेरा होगा या नहीं होगा लगा के देखते हैं। पाँव चिप रहा है भाई, ये तो लगा के चल नहीं पाएंगे। तो अभी इस जूता को करना पड़ेगा दोस्तों चेंज, अभी पूजा में लगाने के लिए लाया था दोस्तों, अभी पूजा पार ही हो जाएगा शायद। तो अभी बहुत सारा काम है दोस्तों, वीडियो को एडिट करना है, जल्दी 1000 होने वाला है आपका भाई का। तो बार बार ये 1K बोल रहा है दोस्तों, 1K मतलब 1000 ही होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जो करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय आसाम।